नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खास बात अर्चना कौशल के साथ, और आज बात हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में है और जिसका ट्रेंड, जिसका क्रेज, जिसका जुनून खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेल्फी की। अब आए दिन आपने देखा होगा किसी अच्छी जगह पर आप जाते हैं, आप सेल्फी ले लेते हैं, आपको लगता है आप अच्छे लग रहे हैं तो तुरंत से खुद से आपने सेल्फी ले ली। लेकिन अब ये जो सेल्फी का ट्रेंड है, ये अब तमाम सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं रह गया, अब आप सेल्फी से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और यही सेल्फी से जो वेरिफिकेशन है वो आपके लिए कैसे खतरा बन रही है, ये सेल्फी आपके अकाउंट को कैसे खाली कर सकती है, एक सेल्फी से आपके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है, इस पर आज आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए अपने दर्शकों को इस जानकारी के साथ इन्फॉर्मेशन देना बेहद ज़रूरी है। तो आज इसी पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि सेल्फी से जो वेरिफिकेशन करने की लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है कि चलिए घर बैठे इजी वे से सेल्फी ली, वेरिफिकेशन कर ली, वो एक आसान प्रक्रिया लोगों को लगती है, और इसीलिए ये ट्रेंड में बढ़ती भी जा रही है, जिसमें चाहे हम बैंक की बात करें या फिर फिनटेक है या फिर फिनटेक कंपनी है या फिर ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लोगों की पहचान को ऑथेंटिकेट करने के लिए सेल्फी के माध्यम से वेरिफिकेशन करती है, और इससे अब फ्रॉड किए जाने का खतरा बढ़ रहा है। उसमें सबसे पहली चीज कि सेल्फी कैसे फ्रॉड का कारण बन सकती है। नंबर एक, सबसे पहली चीज क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिशिंग अटैक। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, और जो लोग अवेयर नहीं हैं उन लोगों को मैं जानकारी दे देती हूँ कि फिशिंग अटैक क्या होता है और ये कैसे आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। साइबर अपराधी आपको फिशिंग ईमेल या फिर एसएमएस भेजते हैं, जिनमें आपको एक लिंक पर क्लिक करना होता है, और उस लिंक पर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका एक फर्जी वेबसाइट वहां पर पहुंच जाता है, जहां आपको अपनी सेल्फी खींचने और अपलोड करने के लिए कहा जाता है। इस तरह आपको सेल्फी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आपने जो यहां से अपलोड करके भेजा और उस सेल्फी का गलत इस्तेमाल इजी वे में हो सकता है। ये एक पहली चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए। आजकल आपकी सेल्फी आपके लिए बहुत खतरा हो सकती है, मैंने कहा कि ऐसी चीज़ों पे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी जो चीज़ है वो है मैलवेयर। मैलवेयर क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। साइबर अपराधी आपके फ़ोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे आपके फ़ोन का कैमरे का कंट्रोल उन तक पहुँच जाता है। इस तरह वे आपके बिना बताए आपकी सेल्फी ले सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिसकी शायद किसी को जानकारी होगी तो किसी को नहीं होगी। तो मैं बता देती हूँ कि किस किस तरीके से आपके लिए सेल्फी या आपकी इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचना आसान हो सकता है और आपके लिए मुश्किल बढ़ाने वाला भी। अब आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया और डीप फेक की बात करते हैं। डीप फेक क्या होता है? साइबर हैकर्स आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपकी कुछ तस्वीरें चुराकर उनका इस्तेमाल डीप फेक के लिए कर सकते हैं। डीप फेक का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किए जाने वाली नकल है। इसमें किसी की तस्वीर से नकली फोटो और वीडियो बनाना शामिल है। इसमें वॉइस की नकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थी वो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि ये तमाम चीज़ें भी आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। फटाफट आगे बढ़ते मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि सेल्फी से धोखाधड़ी आपके साथ कैसे हो सकती है। सावधान हो जाइए, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। मैं बड़े बड़े शब्दों में अपने इस वीडियो में दिखा भी देती हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ें उतर जाएँ, आपको याद रहें और आप किसी धोखाधड़ी का शिकार ना बने। बैंक फ्रॉड करना। साइबर अपराधी आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी करते हैं और आपके पैसे निकाल सकते हैं। उसी के साथ लोन लेना। आजकल जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है या कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो लोन भी लेने के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, तो ये एक कारण कैसे हो सकता है वो भी समझा देती हूँ। साइबर हैकर्स आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन ले सकते हैं। आप समझे ये बात, लोन कोई और ले रहा है आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके, तो ये आपके लिए मुश्किल बढ़ाने वाला हो सकता है। अब हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी इन चीज़ों को और हम लोगों को समझने की और इस पर जांच करने की भी ज़रूरत है। सिम कार्ड क्लोन करना, उससे वो कैसे होता है वो भी एक बार आपको बताती हूँ। आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स आपके सिम कार्ड को क्लोन कर सकते हैं और आपके मोबाइल नंबर पर आने वाली सभी OTP को रिसीव कर सकते हैं। OTP आप जानते हैं हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन
अब कैसे आपकी ओटीपी को वो चोरी कर लें, उसका एक तरीका सिम कार्ड क्लोन आपकी सेल्फी के माध्यम से, ये हैकर्स को हेल्प करता है। चलिए, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था कि अब आप सोचें कि अरे भैया सेल्फी ले ली तो कहीं दिक्कतें नहीं हो जाए, लेकिन उससे सावधान कैसे हमें रहना है वो समझने की ज़रूरत है। तो वो एक सॉल्यूशन आपको देते हुए जाती हूँ। आपको खुद को बचाने के तरीके, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, पहली महत्वपूर्ण जानकारी। अपने सभी अकाउंट्स के लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें, यानी कि जिस पासवर्ड को कोई भी इजीली ना बना सके। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें। अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, आप अपने फ़ोन को मेलवेयर से बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर सावधान रहें और निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है तो सबसे पहले अपने बैंक में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और उसके साथ ही जो दूसरी ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आप लोग सावधान रहिए, सावधान रखिए, अपनी पर्सनल जानकारी को लोगों के साथ सार्वजनिक करने से बचिए। मैं जानती हूँ सोशल मीडिया का क्रेज़ है, हर कोई आजकल ब्लॉग्स बनाता है, वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहता है, लेकिन उस बीच आप अपने दिन भर की दिनचर्या, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, किस जगह पर है, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप साझा करते हैं, लेकिन इस बीच आप कैसे खुद को अपनी पर्सनल जानकारी लोगों तक देने से बच सकते हैं, कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, ये आपको तय करना होगा। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी थी, तो ये खास बात मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझसे लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, नई खास बात के साथ, नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये सबके लिए ज़रूरी है। बाय बाय।